रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान काशिफ हसन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सेल्स मार्केटिंग मुजीब अहमद ख़ान, जो कि आप कह सकते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी की रूह हुआ भी हैं, और इनका नाम जो है डीलर बरादरी में, कम्युनिटी में एक इनका बड़ा नाम, बड़ा अच्छा इनका नाम लिया जाता है। और आइए अपने से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वस्सलाम काशिफ साहब, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सर, अब जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है, क्या कहेंगे उस वाले से आप? देखें, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कभी भी उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अभी मौजूदा सियासी सूरत हाल है कोई ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं है। अगर आप इसकी थोड़ी सी अभी हिस्ट्री भी देख लें पिछले दो महीने के अंदर, एक महीने के अंदर, तो हमने ये नोटिस किया हुआ कि इसका इम्पेक्ट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो नज़र आता है हमें, लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर अभी तक ऐसा इसका इम्पेक्ट नहीं आया, जिसकी वजह शायद मुझे ये लगती है कि जो हमारी प्रॉपर्टी रिलेटेड जो जितने लोग हैं वो इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देख रहे हैं कि शायद वो फेवर्स के अंदर ही आएँ, जिसकी वजह से वो पास को देखते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाले हालात हैं वो अब बेहतरी की तरफ जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि अल्टीमेटली ओवरऑल मुल्क के लिए जो भी डिसीजंस आते हैं, जिस तरह की भी चीज़ें होती हैं, वो रिजॉल्व होंगी। और मेरे ख्याल से कि जितनी हमारे अंदर पॉलिटिकल यूनिटी होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जिसकी भी अच्छी हो, एज अ बिजनेस कम्युनिटी वी ऑलवेज फोरसी कि जो भी गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज़ ऐसी दे जिससे बिजनेसेस जो हैं वो फ्लरिश करें। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो एमनेस्टी स्कीम्स दी, उसका रियल स्टेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, रियल स्टेट ने बहुत ज़्यादा उसमें बूम आया, उसमें इंक्रीज़ आया, उसकी वैल्यूएशन जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई। तो आई होप के जो ये गवर्नमेंट है ये इस तरह की पॉलिसीज़ को जारी रखेंगी, और इससे भी बेहतर जो फर्दर बेनिफिट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सर, बहुत सारे लोग लाहौर स्मार्ट सिटी का साइन बोर्ड लगा के प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उस वाले से आप? देखिए, मैं सिंपल से ये बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, बैक इन 2018 ये हबीब रफ़ीक ने शुरू किया, और ये जो कॉन्सेप्ट हमने जब कंसीव किया, इससे पहले पाकिस्तान में कभी किसी को आइडिया नहीं आया। तो खाली स्मार्ट लिख देने से प्रोजेक्ट जो हैं वो स्मार्ट नहीं हो जाते। और अभी हमने लास्ट टाइम भी कुछ पसरूर साइड पे देखा, उन्होंने तो लोगों भी हमारा कॉपी कर लिया, लोगों को लूट भी रहे हैं। तो मेरी आवाम से भी गुजारिश होगी कि जो भी प्रोजेक्ट जिसके साथ अगर स्मार्ट लग जाए तो उसको ये ना कंसीडर करें कि वो हबीब रफ़ीक का प्रोजेक्ट है या लाहौर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है या कैपिटल स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। वो हमारे से, हमारी कॉल लाइन, हमारी हेल्प लाइन से, हमारी ईमेल से, हमारे ऑफिस से ज़रूर कन्फर्म करें कि हमारा प्रोजेक्ट है या नहीं है। सर, अभी इसको, अब माशाल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी का तो एक नाम, एक ब्रांड बन गया है, तो सर अभी इसकी जो करंट जो पोजीशन है, कहाँ तक इसके काम कंप्लीट हो गए, और ये कब तक, ये मंसूबा आपका का प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखें, हमारी जो डेडलाइंस हैं, जो हम जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम उसकी डिलीवरी जो है वो 3 साल का हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि 3 एंड हाफ़ ईयर्स के अंदर अंदर हमारी डिलीवरी होगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हमारा जो सेक्टर ए और सेक्टर बी जो है, इट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट, और हमने इस महीने, वैसे तो हमने पिछले महीने पोजेशन देना शुरू कर देना था उसकी अनाउंसमेंट, लेकिन रमज़ान आ गया और फिर हमारे इस्लामाबाद के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी बैलेटिंग आ गई। तो अभी हम उसकी जो पोजेशन हैं लोगों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर, जिनकी पेमेंट्स पूरी होंगी, वो देना शुरू कर देंगे। और डेवलपमेंट मेरे खैर बताने से ज़्यादा जो आई विटनेस है, आप कभी खुद साइट पे विज़िट करें और आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले 5 महीनों के अंदर जो हमने वहाँ डेवलपमेंट का काम किया है, आज तक कभी लाहौर में शायद किसी ने इतनी फास्ट पेस डेवलपमेंट नहीं देखी होगी। हमारा सेक्टर है, उसमें रोड्स कंप्लीट, वाटर सप्लाई, सेफ्टी, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क कंप्लीट्स हैं, हमारे घर बनना शुरू हो गए हैं, हमारी अमेनिटी बिल्डिंग, हमारा ओवरहेड टैंक, ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और रात को इल्यूमिनेट होता है, डू विज़िट, और आप अपने हिसाब से विज़िट करके चेक कर सकते हैं। देखें, हमने आज तक, हमारा प्रॉमिस ये रहा है कि हम आपको टाइम पे नहीं बल्कि टाइम से पहले डिलीवर करेंगे, और इंशाल्लाह टाइम से पहले आपके चीज़ें हमने देना शुरू कर देंगे। सर, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूँगा, जो नई गवर्नमेंट आई है, आपके, आप क्या समझते हैं कि वो आपके तवक्कात पे पूरा उतरेगी? देखें,
वी ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। और बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेसेस हैं, वो हमेशा अच्छी ही सोच रखते हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड सोच रखते हैं कि पॉलिसीज अच्छी आएंगी, उसी के बेसिस के ऊपर ही वो काम कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव माइंड के साथ के पॉलिसीज ख़राब हो जाएंगी या कुछ हो जाएगा, तो उल्टा एट द एंड आप अपना नुकसान करते हैं। तो वी होप के जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी होंगी, बेहतर से बेहतर पॉलिसीज़ आएंगी, क्योंकि बिजनेसिस चलेगा तो इकॉनमी चलेगी। थैंक यू वेरी मच सर, हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। हमने देखा आप बहुत, आपका बिजी टाइट स्केड्यूल होता है। जी तो नाज़रीन, ये थे डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मुजीब अहमद खान, लाहौर स्मार्ट सिटी। इसी के साथ अपने होस्ट काशिफ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।